वेदों में कहा गया रसग्गम हेवायम लब्ध्वानंदी भवत तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का सातवां अनुवाक। वो आनंद है हमारा बाप, उसको प्राप्त करके ही एव तमेव विदित्वा एव एव माने ही भागवत कहती है। उद्धव भगवान कह रहे हैं मामेकमेव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम याहि माम एक एव। अरे इतना विस्तार से क्यों बोल रहे हो? अरे एक कह दिया यही काफी था, एक और ही भी लगा दिया। गीता में भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, एव केवल मेरी ही शरण में आना होगा, भी नहीं लगाना। तमेव शरणं गच्छ एव मामेकं शरणं ब्रज, एक मेरी शरण में आओ अर्जुन। अरे मैं सब कुछ बनने को तैयार हूं, फिर क्यों भटक रहे हो? संसार में तो अलग अलग रिश्ते होते हैं तो लोग परेशान रहते हैं। ऐसा कोई आदमी शायद हो कि मृत्यु पर्यंत उसके सब रिश्तेदार जिंदा हो। प्रपितामह वो भी रिश्तेदार है, बाप के बाप का बाप वो भी जिंदा है, नहीं तो कब के मर गए। पितामह पिता के पिता, अरे वो भी कब के मर गए। और पिता तुम 90 साल के हो गए, तुम्हारा बाप है, अरे नहीं वो भी कब के मर गए। मम्मी वो भी गई। एक रिश्तेदार भी जब नहीं रहता तो किसी पर्व पर उसको फीलिंग होती है मेरे बहन नहीं है, आज राखी है, चलो नकली बहन बना लो। उसको कहते हैं धर्म की बहन, और जो असली है वो अधर्म की है। ऐसे ही भाषा बोलते हैं लोग। लिखा पढ़ी करके बेटा बना लो, यानी एक रिश्ता भी अगर नहीं हमको संसार में वास्तविक रहता तो हम नकली ढूंढते हैं। अब खलता है भाई मर गया, मेरी भुजा कट गई, भाई मर गया। और लड़ते रहेंगे उससे जिंदगी भर, कहो भुजा है वो। ऐसी ऐसी भाषाएं बोलते हैं लोग। भगवान कहते हैं देखो जी ऐसा है कि मैं तुम्हारा सब कुछ बनने को तैयार हूं। पापा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा।
अभी पति मान लो, अभी बेटा मान लो अगले सेकंड में, फिर बाप मान लो, फिर भैया मान लो। मैं सब कुछ बनने को तैयार हूं, फिर क्यों भटक रहे हो ये टेम्परेरी? ये कितने बाप हो चुके तुम्हारे पता है?